नमस्कार। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका एरन हाजिर हूँ। सबसे पहले किसान बुलेटिन की हेडलाइंस पर एक नजर। महज कागजी साबित हो रहा फसल बीमा योजना का स्वैच्छिक होना। हरियाणा के जींद में किसान ने की शिकायत, फसल बीमा ना लेने के आवेदन देने के बाद भी काटा गया प्रीमियम। दुनिया भर में मनाया गया विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। जल जंगल जमीन की सुरक्षा से जुड़ा है दिन। वहीं EIA नोटिफिकेशन पर पूर्व पर्यावरण मंत्री ने जताई आपत्ति। फूलों और सब्जियों की खेती से मुंह मोड़ रहे किसान। गेंदे के फूलों की खेती में आई 60-70% की गिरावट। 20-30% गिरी सब्जियों के बीज की बिक्री। राजस्थान में चना किसानों का आंदोलन जारी। 29 जुलाई को दिल्ली के लिए कूच करेंगे किसान। MSP पर चने की खरीद बढ़ाने और फिर से खरीद शुरू करने की मांग। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार भले ही फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक किए जाने का दावा कर रही हो, लेकिन ये फैसला महज कागजी साबित हो रहा है। योजना के स्वैच्छिक होने के बावजूद इसे लेकर किसानों में जागरूकता की कमी और बैंकों के रवैये के चलते किसानों के खाते से बीमा का प्रीमियम काटा जा रहा है। लेकिन हरियाणा में एक अलग ही मामला सामने आया है। जिन जिले में रहने वाले किसान हरिकिशन ने फसल बीमा ना लेने की जानकारी देने के बाद भी बीमा प्रीमियम काटे जाने की शिकायत की है। तही नहीं, उनका प्रीमियम बीते साल के मुकाबले इस साल ज्यादा काटा गया है। पिछले साल तक उनका प्रीमियम 9,000 रुपए तक काटा जाता था, लेकिन इस बार इनका प्रीमियम 17,963 रुपए काटा गया है। हरी किशन के मुताबिक 23 जुलाई को उन्होंने फसल बीमा ना लेने के लिए बैंक में आवेदन दिया, लेकिन 26 जुलाई को उनके पास बीमा का प्रीमियम काटे जाने का मैसेज आ गया। उन्होंने जब बैंक कर्मचारियों से पूछा तो उन्हें एफिडेविट बनवाने के लिए कहा गया। इसी तरह एक दूसरे किसान को फसल बीमा ना लेने के आवेदन देने की आखिरी तारीख 18 जुलाई बताई गई और उसका प्रीमियम काट लिया गया। तो ये सवाल उठते हैं कि सरकार ने इस बाबत कोई क्लियर नोटिफिकेशन जारी अगर किया है तो बैंक और बैंक के अधिकारियों को इसके बारे में क्यों नहीं पता। अगर पता है तो फिर वो इसकी जानकारी किसानों को क्यों नहीं दे रहे। बताया जा रहा है कि एक फॉर्म है जिसे भरना है, उस फॉर्म के बारे में भी कोई सूचना नहीं। शाखा में वो फॉर्म्स नहीं रखे गए हैं और जब ये किसान वहाँ पर अपना आवेदन देने पहुँचे तो उनको बैंक ने सही जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, उसे क्यों नहीं बताया। मेरे फादर के नाम से ICICI उचाना में KCC अकाउंट है और उनके साइन करवाकर एप्लीकेशन पर ये एप्लीकेशन उन्होंने रिसीव किया, ये दे के आया और मेरे फादर का साइन के बाद आधार कार्ड आइडेंटिटी मैं ये 23 तारीख को बैंक में दे के आया और उन्होंने 27 तारीख को 17,963 रुपये काट भी दिए। अब मैं उनको बार बार फोन कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। ये देखो सरेआम किसानों के साथ धोखा। राजस्थान के दुदू में चना किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलन संचालन समिति की बैठक ने 29 जुलाई को ट्रैक्टर से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। किसान चना खरीद के मामले में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कुल उत्पादन में से चना खरीद को 25% से बढ़ाकर कम से कम 50% किए जाने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि चना खरीद के लिए किसानों ने 23 जुलाई को एक बार फिर आंदोलन शुरू कर दिया। MSP पर चने की खरीद किए जाने की मांग को लेकर किसान इससे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। 5 जुलाई को किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया था, लेकिन उन्हें महला में रोक लिया गया था और प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से चना खरीद का समाधान कराने का भरोसा भी दिलाया था। इस बीच किसानों की सरकार के साथ बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला है। जिला कलेक्टर को मिलकर अनुरोध करेंगे कि वे या तो चने को तुलाए या ट्रैक्टरों को अपना चना बेचने के लिए देश में कहीं भी जाने दें, अपना चना बेचने जाने के लिए संरक्षण दे, सहायता दे और पुलिस प्रशासन द्वारा उनको रोकने की गतिविधि बंद की जाए।
कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान सब्जियों और फूलों की मांग में बड़ी गिरावट आई। बाजार की कमी से लेकर कीमतों में गिरावट तक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। यही वजह है कि अब किसान उनकी खेती करने से डर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान ये तस्वीरें आम रहीं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूल, गुलदस्तों से लेकर मंचों तक माहौल को खुशनुमा बनाने वाले फूलों का लॉकडाउन के दौरान ये हाल हुआ। धार्मिक स्थलों से लेकर शादी समारोह की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले फूलों की मांग ना होने की वजह से किसानों को इन्हें खेतों में ही नष्ट करना पड़ा। इसी का नतीजा है कि किसान अब फूलों की खेती से मुंह मोड़ रहे हैं। गेंदे के फूलों की खेती में 60 से 70 फीसदी की गिरावट आई है। बहुत डल चल रहा है। पहले तो खरीदते थे बहुत सारे फूल यहाँ से, जितने होते थे लाइक हम 30% भी खरीदते थे यहाँ से, तो अभी बहुत कम हो गया है, लाइक 5-10% ही खरीद रहे हैं यहाँ से। ज्यादा खरीदारी भी नहीं हो रही और बेचे भी किसको, इतना सेल्स नहीं है। ऐसा ही हाल सब्जी उगाने वाले किसानों का भी है। अब भी भले ही आम लोगों को सब्जियों की ज्यादा कीमत देनी पड़ रही हो, लेकिन किसानों की सब्जियां या तो खेतों में सड़ रही हैं या किसान उन्हें कौड़ियों के दाम पर बेचने को मजबूर हैं। शायद इसी का असर है कि सब्जी बुआई का रकबा इस बार कम हुआ है। समाचार पत्र हिंदू बिजनेस लाइन की खबर के मुताबिक सब्जियों के बीज खरीद में 20-30 फीसदी की गिरावट आई है। ट्रांसपोर्ट, मंडियां बंद होने और सही कीमत ना मिलने को इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है। घिया, तोरी, पेठा, हर तरह की प्योद मतलब अपने यहाँ से बना के रेडी करके जो भी फार्मर मेरे से लेने के लिए आते हैं, मैं उनको सेल आउट कर देता हूँ। अच्छी वैरायटीज लगाता हूँ। बट ये है कि जैसे अभी लॉकडाउन चला हुआ है तो इसकी वजह से थोड़ा सा रेट थोड़ा हमें डाउन मिल रहा है। स्टार्टिंग में मेरी जो कैप्सिकम थी अच्छे रेट पे निकली हुई है, अभी थोड़ा सा कम रेट में गई। किसानों को हुए नुकसान और सरकार की उदासीनता ने सब्जी फूलों की खेती पर बुरा असर डाला है। ये तो साफ है कि किसान बड़े नुकसान और संकट से जूझ रहे हैं। अरवी है, शिमला मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, बहुत सी सब्जियां हैं जिनके पैसे दाम बढ़े हुए हैं, बारिश के कारण बढ़े हुए हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, भाड़े भी बढ़ गए हैं, कुछ इस बार फसल भी कम हुई है, तो फसल अब जो है स्टोर से आती है तो वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो रेट नेचुरली बढ़ेगा। बढ़ोतरी कम हो रही है टमाटर की इस टाइम बरसात की वजह से, तो इसलिए थोड़ी महंगाई है नहीं? जब बढ़ोतरी हो जाएगी तो रेट सस्ता हो जाएगा। लेकिन सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि सब्जी की कम बुआई से उत्पादन कम होगा और उत्पादन कम होने से दाम बढ़ेंगे, यानी खेती किसानी से जुड़ा संकट आने वाले समय में आम लोगों की जेब पर भी असर डालेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए समझते हैं कि जो फूलों का धंधा है उसको लेकर जो उसके किसान हैं उनके लिए आगे की क्या रहा है, क्या है भविष्य, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं इंद्र शेखर सिंह, जो कि डायरेक्टर हैं पॉलिसी एंड आउटरीच नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंद्र। ये बताएं कि जो किसान है, फूलों की खेती को हमने दिखाया कि कोविड काल में कुछ 100% उनका धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया। अब आपको क्या लगता है स्थिति कैसी बनी हुई है, आगे की अगर भविष्य की बात करें तो इनके लिए किस तरह के विकल्प? अनिका जी शुक्रिया। सबसे जरूरी बात यह है कि जो छोटा और जो मध्यम किसान है फूलों का, उसके लिए स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आपको मैं बताता हूं, ये फिगर्स मुझे मिल रहे हैं महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य कई इलाकों से। जो लोग गेंदे की खेती करते हैं, चाहे वो छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, इस बार आप समझिए कि 60-70% ड्रॉप हुआ है गेंदे की खेती में। क्यों? क्योंकि जो टोबैको इंडस्ट्री है, जहां पे गेंदे के फूल की बड़ी मांग होती है, और साथ ही साथ मंदिरों, मस्जिदों और बाकी जगह शादियों में जहां ये फूल इस्तेमाल होते हैं, वहां हर कहीं ये डिमांड बिल्कुल ही ज्यादा खत्म हो चुकी है जी। तो जो ये किसान है इस समय बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। किसान सोच रहे हैं कि हम अपने फूल कहां भेजेंगे, ना उन्हें खा सकते हैं, ना उन्हें आसपास किसी मंडी में बेच सकते हैं, तो क्या होगा उनके भविष्य का। इस समय वो लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, आप ये समझिए।
अगर हम कुछ और फूलों की बात करें जी, तो हो गया जी, रोज हो गया या गुलाब जिसे कहते हैं, इसकी डिमांड फिर भी थोड़ी है, क्योंकि जो परफ्यूमरी इंडस्ट्री है उनमें ये डिमांड अभी भी स्टेबल है, वो लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। जो आसपास के इलाके हैं, जैसे कन्नौज के आसपास के जो फूल उगाने वाले इलाके हैं, वहां पे अभी भी लोगों के आपसी कुछ ताल्लुक जिसके कारण वो लोग कुछ बचे हुए हैं, लेकिन जो बाकी फूलों का किसान है उसने बहुत मार खाई है, और उसने मार खाने के बाद वो सीरियल्स की तरफ गया है, वो मेज की तरफ गया है, ना वो सब्जी उगा सकता था इसके बाद, ना वो धानिया उगा सकता था, वो गया है मेरे हिसाब से वो गया है या तो दलहन की ओर, तिलहन की ओर, या फिर भुट्टे की ओर। ये कुछ इनका जो है इन छोटे किसानों ने पाए हैं, मेरे हिसाब से जो छोटे और मध्यम किसान है, और स्पेशली जो छोटे किसान थे जो खेती कर रहे थे, उनकी कमर तो है कोविड जी। अगर इन फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए बीज की बात करें, जो छोटी छोटी पौध बनाते हैं जो नर्सरी में, पॉली हाउसेस में, तो बीज की उपलब्धता भी काफी बाधित रही, जो जून के महीने में बुआई होती है, तो ऐसे में जिनके पास अपने बीज थे, बताया जा रहा है कि वो किसान भी अपने बीज बहुत हिचकते हुए लगा रहे थे और कितनों ने रोक भी लिया। तो क्या उम्मीद की जाए कि आने वाला जो त्योहार का सीजन अक्टूबर में, जैसे दीपावली आती है, या तो जो फूलों की रौनक है वो कुछ कम दिखेगी बाजार में? अनिका जी देखिए, रौनक तो वैसे ही कम दिखेगी, फूल तो उसमें बस उसका एक छोटा पार्ट है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया कि किसानों के पास बीज ही नहीं पहुंच पा रहा है। अब हमारी जो खुद की स्टडीज है और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स जो मिल रही है हमको, कि महाराष्ट्र में मेरी कई सीड कंपनी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट में उनका बीज बिका ही नहीं है। मतलब जो मेन टाइम होता है आपके सोइंग का, गेंदे की फूल का, उसमें गेंदा की सोइंग ही नहीं हुई है, और किसी तरह से वो लेट में कंपनियों ने जाके किसानों के जाके हाथ पैर पकड़े, बोले कि आप हमारे साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, आप गेंदा उगाइए। तो आप देखेंगे कि त्योहारों के जो इतने भी त्योहार आएंगे उसमें मुझे लगता है फूलों की रौनक कम होगी, क्योंकि देखिए किसान डर रहा है, जब वो अपनी सब्जी तक नहीं बेच पा रहा है, मंडी तक पहुंचा पा रहा है, तो फूल तो और ज्यादा डेलिकेट और सेंसिटिव है। आपने पॉली हाउसेस की बात की, आप जानती हैं कि फूलों का दाम 5 रुपए से लेके 500 रुपए तक भी जाता है, कुछ कुछ ऐसे फूल भी हैं जो 500-500 रुपए या एक फूल बिकता है। तो ये सारे लोग जो है, और ये सारे बहुत टाइम सेंसिटिव होते हैं, कोविड वाले सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट होते हैं, कोविड ने सारा का सारा सप्लाई चेन डिस्टर्ब कर चुका है, तो बड़ी समस्या उन लोगों को भी है, कैसे फिर से इन्वेस्ट करें। इसमें बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, अगर 2017 की बात करें तो गेंदे का फूल जो है 100 रुपए प्रति किलो से ऊपर ही उसका भाव बना रहा, तो जाहिर सी बात है कि कितने ही किसान इसकी तरफ गए। लेकिन अब जो किसान फूलों की खेती विशेषकर करते थे, छोटे किसानों की बात करें, मध्यम मझोले किसानों की, इसमें से कितने ही किसान बटाई पर खेती, रेंट पर लैंड लेकर खेती करते हैं, और ऐसे में जो सरकार की तरफ से कोई मदद भी मिली तो आपको लगता है कि वो काफी रही? क्योंकि कितने ही किसानों की शिकायत है कि एक तो मदद नहीं मिली पैकेज में, उनके लिए जो मदद है वो नदारद थी, और जहां थोड़ी बहुत मिली भी वो जो लैंड ओनर्स हैं उन तक गई वो मदद। जी देखिए, ये समस्या सिर्फ फूलों के साथ नहीं, हरी क्रॉप्स के साथ है, और हर प्रकार के छोटे किसान के साथ है। और जो टेनेंट फार्मर की आपने बात की, जो बटाई पे काम करते हैं, आधिया पे काम करते हैं, देखिए उनके लिए जो समस्या है वो और भी ज्यादा बड़ी है। मैंने कई लेख भी लिखे हैं जिनमें मैंने साफ साफ तरह से ये दर्शाया है कि सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, ये गांव समाज के अंदर एक पर्टिकुलर जो एक समाज है या एक तबका है किसानों का, उनके लिए अच्छी है, लेकिन जो उनके नीचे के तबके हैं उनको ये कभी कभी ये बेनिफिट्स या जो भी सरकार स्कीम दे रही है, जो भी रिलीफ देना चाहती है, वो कभी मिल ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि उनकी पास इतनी समझ नहीं है, या उतने वो पढ़े लिखे नहीं है कि वो बैंक जा सकें या सरकारी स्कीमों को समझ सकें। तो आप देखेंगे भारत में परिस्थितियां और गंभीर होंगी, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं कि छोटे किसान जो है समय जो सबसे छोटे और जो बटाई पे काम करने वाले किसान है, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी। आप देखिएगा कि गांव में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है, और गांव में साथ साथ क्राइम भी बढ़ेगा। ये एक सबसे पहला इंडिकेटर है या पहला संकेत है कि क्राइम, आप देखिए इस समय गांव में कितना ज्यादा बढ़ चुका है, इसी से पता चल जाएगा कि छोटे किसान कितने ज्यादा मुसीबत में है। और अब वहां से माइग्रेंट लेबर भी पहुंच चुके हैं, जिसके कारण परिस्थितियां और ज्यादा गंभीर हो चुकी हैं। जी इंद्र, ये बताएं कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है आज के दिन, और
इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है जब हम वनस्पति, फूल, प्रकृति, प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, लेकिन जिस तरह की हम बात कर रहे हैं भविष्य इतना अंधकारमय दिख रहा है, भयावह तस्वीर सामने आई है। संक्षिप्त में जानना चाहूंगी कि आगे की इनकी क्या राह हो सकती है। आपने बोला कि ये शिफ्ट होकर सीरियल्स उगाएंगे या फिर कितने ही ठेले लगाने लग गए हैं, चाय की दुकानें खोलने की तरफ जा रहे हैं, तो असल में सरकार को इन पर किस तरह का ध्यान देना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। अब आगे इनके लिए किस तरह के स्टेप्स आप सुझाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक और दर्शकों को बता दूं कि आप ये ना सोचिए कि भारत अगले 10 या 15 साल में भारत नहीं रहेगा। जो परिस्थितियां मेक्सिको में हुई हैं या ब्राजील में चल रही हैं, भारत उस तरह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अब मैं बात करूं, आपने कंजर्वेशन की बात की, तो हमें एक क्लस्टर अप्रोच माइंडसेट से, एक इंडस्ट्रियल फार्मिंग माइंडसेट से थोड़ा हट के आना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा, हमें अपने क्रॉप्स के अंदर एक डिसेंट्रलाइज्ड एग्रीकल्चरल नीतियां चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि जो दिल्ली बता रही है कि क्या करना है, राजस्थान या इलाहाबाद को, या इलाहाबाद के नीचे इलाहाबाद के गांव तबकों को, पुराओं को क्या करना है। हमें देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए एक और महामारी आ जाती है, तो क्या हमारे तालुक और हमारे जो ब्लॉक लेवल पे है, क्या हमारे ब्लॉक से सब कुछ उगाया जा सकता है। हमें ऐसी प्लानिंग की जरूरत है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही सब डिस्ट्रिक्ट में दाल भी उगे, तिलन भी उगे, चावल भी उगे, गेहूं भी उगे, और जो जो उग सकता है, हर एक तालुक और हर एक ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर हो। जब ये हम इसको जब इस तरह से अपने जीवन में उतारेंगे और अपनी कृषि नीति में उतारेंगे, तभी भारत का कुछ हो सकता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देने की जरूरत है जी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच जो है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइट के लिए, बातचीत के लिए। 28 जुलाई को पूरी दुनिया में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। विश्व संरक्षण दिवस का मुख्य उद्देश्य विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का संकल्प लेना है, यानी जल, जंगल और जमीन की रक्षा। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर अपनी बात रखी। बात जब प्रकृति की रक्षा की हो तो ये तस्वीरें भी मायने रखती हैं। ओडिशा में आदिवासी इलाकों में लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों को जंगल में जाने से रोक दिया गया, लेकिन इसी बीच जंगल से बड़ी तादाद में पेड़ों की कटाई की गई। आदिवासियों का कहना है कि जब उन्हें घरों में रहने को कहा गया, तभी जंगल से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की गई। आदिवासी महिलाएं इन्हीं जंगलों से मिलने वाले साल और तेंदुपत्ता जैसे वनोपज के जरिए परिवार पालते हैं और जंगलों की रक्षा भी करते हैं। आमे आडे घरे रहौचु आउ से पटे आउ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आमर जंगल को सब घरे की सब नहीं छ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जंगल को सब फरे छंती सब नहीं छंती आम गच्छ लगेबू बोली सब फरे छंती सेटा लगेबू बोली कहउछंती आमे केंती बंचीबू ना मरीबू ना सेटा आमे जानी पारुन। वहीं केंद्र सरकार के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्यादेश यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन पर पूर्व पर्यावरण मंत्री और संसद में पर्यावरण मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष जयराम रमेश ने अध्यादेश पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा। इस पत्र में जयराम रमेश ने लिखा है कि इससे पोस्ट फैक्टो अप्रूवल यानी कार्योत्तर मंजूरी मिल सकेगी, जो पर्यावरण मंजूरी से पहले जन भागीदारी और आकलन के सिद्धांतों के खिलाफ है। जयराम रमेश ने लिखा कि अध्यादेश मंजूरी से पहले हर एक क्षेत्र में जन भागीदारी को कमजोर करने वाला है और इसमें पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन को भी कमजोर किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अध्यादेश किसी काम के लिए लंबे वक्त तक जमीन पर कब्जा बनाए रखने की भी छूट देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अध्यादेश देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। पत्र में उन्होंने लिखा कि अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार को ये ताकत मिल जाती है कि वो राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण की नियुक्तियां कर सके। इससे देश के संघीय ढांचे पर प्रहार पड़ेगा। दरअसल इससे पहले भी जयराम रमेश ने अध्यादेश पर अपनी आपत्ति जताई थी, जिसे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निराधार बताकर खारिज कर दिया था।
आज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है और ये मौका है कि जो हमारी वनस्पति है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, जल जंगल जमीन, जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं जिन्होंने एक भयंकर तरीके से एक तालमेल बिठा कर रखा है प्रकृति में, और ये तमाम जो संसाधन हैं इन सब पर किस तरह से जो सरकारी नीतियाँ हैं उससे आशंका जताई जा रही है कि जो सरकारी नीतियाँ हैं उससे इनके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनका हनन हो रहा है, और साथ ही में जो खेती बाड़ी है उस पर भी विपरीत असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इस पर और ज़्यादा बातचीत करते हैं, हमारे साथ अर्चना सोरेंग हैं जो कि वसुंधरा एनजीओ में एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और इनकी सबसे लेटेस्ट उपलब्धि यह है कि ये यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल के जो 7 चोजन क्लाइमेट वॉरियर्स हैं पूरे दुनिया से, उसमें से एक चुनी गई हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई अर्चना आपको। और सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट की बात हो रही है, ड्राफ्ट ऑर्डर, उससे बोला जा रहा है कि जो खेती बाड़ी है उस पर बहुत बुरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, उस खतरे के बारे में बताएं कि किस तरह से उसको दूर रखा जा सकता है और तालमेल बैठाया जा सकता है। जी, तो अनिका जी, सबसे पहली बात जो है कि अभी जो EIA 2020 ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है, तो इसमें जो प्रोविजन है कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की बात कही गई है कि विदाउट क्लियरेंस इंडस्ट्री सेटअप चालू हो सकती है करके, और बहुत सारे एग्जम्पशन दी गई है पब्लिक कंसल्टेशन को लेके काफी सारे प्रोजेक्ट्स में। तो ये दोनों ही चीज बहुत ही चिंताजनक है कि अगर हमारे जो आदिवासी समुदाय की जो भाई बहन है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज है, अगर वो कंसल्टेशन में शामिल ही नहीं हो पाएंगे, अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे कि किस तरह से उनको अफेक्ट करेगा ये प्रोजेक्ट्स और उनकी खेती किस तरह से अफेक्ट होगा, अगर ये बात ही नहीं रखेंगे, अगर वो असेसमेंट में ही नहीं होगा, तो उनके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ली नहीं जा पाएगी अच्छे से। सो पहले जो इवैल्यूएशन है ऑन इंपैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर एंड द लाइवलीहुड ऑफ द कम्युनिटी इज समवेयर ऑर द अदर कर्टेल्ड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजंस, तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो जमीनी तौर पे हम लोग को मिल रही है ये है कि जब इंडस्ट्री सेटअप होती है, जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट जो ये होता है इंडस्ट्री से जो बाहर निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबसे पहले तो एग्रीकल्चर लैंड्स में ही जाते हैं, और फर्टाइल लैंड्स भी अनफर्टाइल हो जाते हैं और पॉइजनस हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा तो यही है कि उनका एग्रीकल्चर लैंड अनफर्टाइल हो जाता है, जिस तरह से जमीनी तौर से पता चला, और साथ ही साथ फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड जो है एयर पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत इम्पैक्ट होता है उसका डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से, तो ये दोनों तरीके से काफी बहुत ही नुकसानदायक होगा और बहुत चिंता की बात है। जी, आपने फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड की बात करी, यहाँ पर हमने ये केस स्टडी भी दिखाई जहाँ पर महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि कोविड के दौरान उनको घर के अंदर रहने के लिए बोला, मगर उनके पीछे जो जंगल हैं और जो कि जंगल के संसाधन हैं उस पर असर, उस पर एक तरह से उनका कहना है कि डाका डाल दिया गया और उनकी आजीविका पर सीधा असर पड़ा। किस तरह की चुनौतियां बढ़ गई हैं फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के लिए इस कोविड पीरियड में? तो सबसे पहली बात तो जो है अनिका जी, जैसे जो आपका पहला क्वेश्चन था कि लॉकडाउन के टाइम पे EIA आया है और लॉकडाउन के समय में ही अभी हम लोग का कोल ऑक्शन के बारे में भी अनाउंस्ड हुआ है कि पोस्ट रिकवरी को लेके कोविड के बाद की जो परिवेश रहेगा। साथ ही साथ अभी हम लोग का कैंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए भी कोविड इकोनॉमिक रिलीफ के तौर पे वो की अनाउंस की गई थी। तो बहुत हद तक जो समस्या ये है कि इम्प्लीमेंटेशन की जब हम लोग बात करते हैं, तो जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसको बहुत बारी काट दे के मोनोकल्चर आर्टिफिशियल प्लांटेशन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ से तो कोविड हम लोग को बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रखा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, और अभी जब पोस्ट कोविड की एरा की बात भी कर रहे हैं तब भी हम लोग का लाइवलीहुड बहुत अनसिक्योर लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज है। तो इस सारे पॉलिसीज को कहीं ना कहीं बहुत रीइवैल्यूएट करने की बहुत सख्त जरूरत है अभी फिलहाल।
जी, तो जब वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे है, आज के दिन सरकार की तरफ से भी इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं कि जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को सहेज के रखा जाए, तो ऐसे में किस तरह के सुझाव हैं आपके, खास तौर से जो जल, जंगल, जमीन के सच्चे हकदार हैं, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज हैं, कि उनकी जिंदगी, उनकी आजीविका बेहतर हो और बदतर ना हो? सबसे पहली बात तो अनिका जी की जो जंगल अधिकार आईन है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 है, और जो पेसा एक्ट है, जो हमारी जो आदिवासी और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के राइट्स ओवर द लैंड एंड फॉरेस्ट को रिकॉग्नाइज करती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला यही है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन होगा तभी जाके जो उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस है, उनकी जो न्यूट्रिशनस वैल्यूज है जो फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड से आती है, उनके पास जिस तरह की अलग अलग बीज की जो खेती होती है, मिलेट्स जिस तरह से हो गया, तो वो लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। सिक्योरिटी उनकी सबसे पहली इंपॉर्टेंट है, वो सिक्योर रहेंगे, उनके राइट सिक्योर रहेंगे, तभी जाके वो परिवेश को बचा पाएंगे। दूसरी बात है अनिका जी, अभी अगर हम एनवायरमेंटल, ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस देखते हैं, तो ये आदिवासी समुदाय के पास बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज है कि किस तरह से कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी के द्वारा वो लोग काफी सालों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इनके लिए ये कुछ बाहरी तौर का प्रोटेक्शन नहीं है, बट दिस इज द वे ऑफ लिविंग, तो उसको प्रमोट और प्रिजर्व करने की काफी जरूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इस इंसाइट के लिए, थैंक यू। मध्य प्रदेश में खाद की समस्या को लेकर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से किसानों को आसानी से खाद मुहैया कराने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री और कृषि विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर सेल्दा तहसील सनावद को रैक पॉइंट बनाए जाने की मांग की। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि यूरिया खाद की रैक खंडवा और इंदौर में लग रही है, ये दोनों जगह ही खरगोन और बड़वानी से काफी दूर हैं, और ट्रांसपोर्ट में देरी की वजह से किसानों को यूरिया खाद वक्त पर नहीं मिल पा रही है। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश, बिहार और असम में बाढ़, बारिश से हाल खराब है, वहीं छत्तीसगढ़ में लोग बारिश ना होने से परेशान हैं। मौसम की बेरुखी से किसानों को अपनी फसलें सूखने का डर सता रहा है। ऐसे में राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने जलाशयों से खेतों तक पानी पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। राज्य में पहली बारिश के बाद किसानों ने फसलों की बुआई तो कर दी, लेकिन अब तक हफ्ते से बारिश ना होने की वजह से किसानों को फसल के खराब होने का डर सता रहा है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां लगभग एक सप्ताह से वर्षा के अभाव के कारण अब किसानों को पानी की आवश्यकता महसूस हो रही है। लॉकडाउन के चलते जल उपयोगिता समिति की बैठक अभी करने में अड़चन हो सकती है, इसलिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिन जिन सिंचाई जलाशयों में पानी अभी एक सिंचाई का किसानों को दिया जा सकता है MRP सहित, सभी जलाशयों का पानी किसानों के लिए कल से ही छोड़ा जाएगा। बारिश न होने से परेशान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में गढ़पदर गांव में तो ग्रामीण बाकायदा बारिश के लिए पूजा कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे ग्रामीण अपने पारंपरिक अंदाज में नाच गाकर भीमसेन पत्थर की कीचड़ से पूजा कर रहे हैं। दरअसल ग्रामीणों की मान्यता है कि भीमसेन पत्थर को हिलाने से इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और बारिश हो जाती है। अगर अब बारिश नहीं होती तो ग्रामीण 84 पुजारियों के साथ उदेला पर्वत पर भीमसेन पत्थर को हिलाने जाएंगे। तो ये थी परंपराओं और मान्यताओं की बात, और इसी के साथ किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।